डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्ट रिव्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस सन 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था, जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेडरिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए एवेंजर्स डाई हार्ड टू के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म, इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के ए गुड डे टू डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया, पटकथा जोनाथन हेंसले ने की, आधारित थी जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिक्स थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा, माइकल ट्रेडर्स द्वारा अभिनीति ब्रूस विलियंस जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस लैरी ब्रिगमैन सैम फिलिप्स। छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का, संपादित किया जॉन राइट्स के, संगीत दिया माइकल कामेन के, उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा, वितरित किया गया 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 19 मई सन 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में, ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन, जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई सन 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रांचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया, न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाता, जिम्मेदारी का वादा किया जाता है, धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती, कार्वर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कार्वर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कार्वर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं, जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रुप है, जो हंस ग्रुबर का भाई है, जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के। जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है, जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है, जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में $140 बिलियन का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि
कार्वर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी कर भेर भर देता है, लेकिन मैकलिन भाग जाता है और कार्वर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बंक में बगल में बांध दिया। और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रसारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कार्वर और मैकलिन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलिन और कार्वर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलिन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढेल पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चौकी पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलिन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलिन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कार्वर के साथ शामिल हो गए, क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून प्रवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलिन का हमला करने और वह हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलिन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन का पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई, जिससे वे जमीन का पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलिन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखा गया जॉन मैकलिन के रूप में ब्रूस विलिंग ने किदाने बया जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रूबर के रूप में नजर आए और जीव कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किदाने बया जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किदाने बया कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आए वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किदाने बया रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किदाने बया माथियास टार्गो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सीलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली विज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया, बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया, ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया, हिस्सा हाउ होसर मैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए, कर्ल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया, रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया, थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल ने किरदार निभाया, मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया, जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई, उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलिन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल किए गए स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था, जिसे मूल रूप से ब्रेंट ली वाहन का रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित
किया और लिखा गया था जो हेंसिले की पटकथा साइमन सेज और रेडरिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद एवेंजेस, डाई हार्ड टू के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म, इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के ए गुड डे टू डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया, पटकथा जोनाथन हेंसले ने की, आधारित थी जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिग्स थोर्प और द्वारा पात्र, उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा, माइकल ट्रेडर्स द्वारा, अभिनीति ब्रूस विलियंस, जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन, ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस, लेरी ब्रिगमैन, सेम फिलिप्स। छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का, संपादित किया जॉन राइट्स के, संगीत दिया माइकल कामेन के, उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा, वितरित किया गया 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में, सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 19 मई सन 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट 90 मिलियन डॉलर का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में, ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में, सैमुअल एल जैक्सन जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई सन 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रांचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाता है। जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती, कारवर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कारवर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कारवर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रुप है जो हंस ग्रुबर का भाई है जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में 140 बिलियन डॉलर का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है जबकि कारवर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी कर भेर भर देता है लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कारवर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ
का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई, और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम्प में बगल में बांध दिया। और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रसारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कारवर और मैकलिन को खुद को मुक्त कर दिया गया। और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते, जैसे ही मैकलिन और कारवर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलेन ने उससे उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढल्ड पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूकी पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था। और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कारवर के साथ शामिल हो गए, क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहाँ साइमन की और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून परिवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का हमला करने और वे हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया, और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई, जिससे वे जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कारवर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी, और ढालने में देखा गया जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किदाने बया जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रूबर के रूप में नजर आए, और जीयू कार्वर के रूप में सेमुअल एल जैक्सन ने किदाने बया जो लेबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किदाने बया कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आए वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किदाने बया रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किदाने बया माथियास टारगो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम्स फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन पर्लमेड के रूप में फ्रेड सीलर के रूप में किरदार नजर आई, और चार्ली वीज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया, बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया, ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया, हिस्सा होसर मैन मिसा के रूप में नजर आए, और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए, कर्ल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया, रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया, थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया, और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल में ने किरदार निभाया, मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया, जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया, और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ट 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई, उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया, और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया, और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था, जिसे मूल रूप से ब्रेंट ली वाहन का रूप में तैनात किया गया था, और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा, और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था। जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेड रिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस
डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म, इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के एक गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया, पटकथा जोनाथन हैंसले ने की, आधारित थी जोनाथन हैंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिक्स थोर्प और द्वारा पात्र, उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा, माइकल ट्रेडर्स द्वारा, अभिनीति ब्रूस विलियंस, जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन, ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस, लेरी ब्रिगमैन, सेम फिलिप्स। छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का, संपादित किया जॉन राइट्स के, संगीत दिया माइकल कामेन के, उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा, वितरित किया गया 20th Century Fox उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में, सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 19 मई 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में, ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में, सैमुअल एल जैक्सन जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रेंचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाए जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती, कार्वर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कारवर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कारवर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रूबर है, जो हंस ग्रूबर का भाई है जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के, जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है जहाँ कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में $140 बिलियन का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कार्वर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी का भेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कार्वर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में
बगल में बांध दिया और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रसारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कार्वर और मैकलिन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलिन और कार्वर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलिन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढल्ड पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूकी पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलिन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलिन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कार्वर के साथ शामिल हो गए, क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून प्रवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलिन का हमला करने और वे हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलिन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई, जिससे वे जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलिन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखा गया जॉन मैकलिन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया, जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रूबर के रूप में नजर आए और जीयू कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया, जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया, कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आए, वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया, रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया, माथियास टार्गो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम्स फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सिलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली विज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया, बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया, ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया, हिस्सा होसर मैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए, कर्ल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया, रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया, थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेलमेन ने किरदार निभाया, मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया, जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो DJ के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई, उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल किए गए स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था, जिसे मूल रूप से ब्रेंट ली वाहन का रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था, जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेडरिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए एवेंजर्स डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म, इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के ए गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन
जॉन मैकटीनर ने किया पटकथा, जोनाथन हैंसले ने की वह आधारित थी जोनाथन हैंसले द्वारा, साइमन कहते हैं रोड्रिग्स थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा, माइकल ट्रेडर्स द्वारा, विनीति ब्रूस विलियम्स, जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन, ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस, लेरी ब्रिगमैन, सेम फिलिप्स। छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का, संपादित किया जॉन राइट्स के, संगीत दिया माइकल कामेन के, उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा, वितरित किया गया 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में, सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 19 मई सन 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट 90 मिलियन डॉलर का था। फिल्म में एनवाईपीडी लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में, ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में, सैमुअल एल जैक्सन जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई सन 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रेंचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाता, जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचान कर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। एनवाईपीडी ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती, कारवर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कारवर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कारवर एनवीआईपीडी के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ एफबीआई और सीआईए एजेंटों से मिलते हैं जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रुप है जो हंस ग्रुबर का भाई है जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर एनवाईपीडी को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के, जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और एनवाईपीडी के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन एनवाईपीडी को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में 140 बिलियन डॉलर का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कारवर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी का भेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कारवर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में बगल में बांध दिया। और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रसारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर
को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कार्वर और मैकलेन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलेन और कार्वर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलेन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढल्ड पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूकी पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कार्वर के साथ शामिल हो गए, क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून प्रवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का हमला करने और वह हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई, जिससे वे जमीन का पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखा गया जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया, जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रूबर के रूप में नजर आया और जीव कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया, जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया, कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आया, वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया, रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया, माथियास टारगो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सिलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली वीज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया, बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया, ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया, हिस्सा होसर मैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए, कर्ल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया, रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया, थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल्मे ने किरदार निभाया, मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया, जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया, विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई, उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था, जिसे मूल रूप से ब्रेंडली वाहन का रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था, जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेड रिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस डाई हार्ड 2 के बाद डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म, इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के एक गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया, पटकथा जोनाथन हेंसले ने की, आधारित थी जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिक्स थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा, माइकल ट्रेडर्स द्वारा, अभिनीति ब्रूस
विलियम्स, जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन, ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस, लेरी ब्रिगमैन, सेम फिलिप्स। छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का, संपादित किया जॉन राइट्स के, संगीत दिया माइकल कामेन के, उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा, वितरित किया गया 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में, सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में। रिलीज की तारीख 19 मई सन 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट 90 मिलियन डॉलर का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में, ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में, सैमुअल एल जैक्सन जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई सन 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रेंचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाता है। जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिस कर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचान कर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भीड़ जाती, कार्वर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कारवर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कारवर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रुबर है, जो हंस ग्रुबर का भाई है जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के। जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है, जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में 140 बिलियन डॉलर का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कार्वर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफरडेम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी का भेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कार्वर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में बगल में बांध दिया। और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रस्तारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कारवर और मैकलेन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलेन और कारवर को NYPD द्वारा
पूछताछ की गई और मैकलेन ने उससे उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढल्ड पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूकी पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कारवर के साथ शामिल हो गए क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून परिवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का हमला करने और वे हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई, जिससे वे जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखा गया जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रूबर के रूप में नजर आया और जीव कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया। कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आया। वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया। रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया। माथियास टार्गो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम्स फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सिलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली विज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया। बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया। ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया। हिस्सा होसरमैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए। कार्ल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया। रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया। थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेलमेन ने किरदार निभाया। मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया। जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल किए गए स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था, जिसे मूल रूप से ब्रेंडली वाहन का रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था। जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेड रिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म, इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के एक गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया, पटकथा जोनाथन हेंसले ने की, आधारित थी जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिफ थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया। जॉन मैकटीनर द्वारा माइकल ट्रेडर्स द्वारा अभिनीत ब्रूस विलियम्स जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस लैरी ब्रिगमैन सेम फिलिप्स छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का। संपादित किया
जॉन राइट्स के संगीत या माइकल कामेन के उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 19 मई 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिस और मैकलेन की अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन, जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रांचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया, न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाए जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भीड़ जाती, कार्वर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कार्वर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कार्वर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं, जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रूबर है, जो हंस ग्रूबर का भाई है, जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के, जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है, जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है, जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में $140 बिलियन का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कार्वर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी का भेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कार्वर को साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में बगल में बांध दिया और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रस्तारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कार्वर और मैकलेन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलेन और कार्वर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलेन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो हेल्ड पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के
काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूंकि पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कारवर के साथ शामिल हो गए क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन की और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून परिवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का सा हमला करने और वे हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन का पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई जिससे वे जमीन का पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखा गया जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रुपर के रूप में नजर आया और जीव कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया। कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आया। वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया। रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया। माथियास टार्गो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम्स फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सीलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली वीज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया। बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया। ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया। हिस्सा होसर मैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए। कल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया। रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया। थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल ने किरदार निभाया। मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया। जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था जिसे मूल रूप से ब्रेंडली वाहन के रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेड रिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्टस फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए एवेंजर्स डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के एक गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया। पटकथा जोनाथन हेंसले ने की आधारित थी। जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिफ थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा माइकल ट्रेडर्स द्वारा अभिनीत ब्रूस विलियम्स जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस लैरी ब्रिगमैन सेम फिलिप्स छायांकन है पीटर मेंजीस जूनियर का। संपादित किया
जॉन राइट्स के संगीत दिया माइकल कामेन के उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 19 मई 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिस और मैकलेन की अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रेंचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाता, जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भीड़ जाती, कार्वर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कार्वर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कार्वर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रूबर है, जो हंस ग्रूबर का भाई है जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के, जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में $140 बिलियन का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कार्वर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी का भेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कार्वर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में बगल में बांध दिया। और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रस्तारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कार्वर और मैकलेन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलेन और कार्वर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलेन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढल्ड पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के
काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूंकि पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई पर स्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कारवर के साथ शामिल हो गए क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून प्रवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का हमला करने और वे हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन का पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई जिससे वे जमीन का पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखा गया जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रूपर के रूप में नजर आया और जीयू कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आया वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया माथियास टार्गो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम्स फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सीलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली वीज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया हिस्सा हाउ होसरमैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए कल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल ने किरदार निभाया मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया जॉन रोनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था जिसे मूल रूप से ब्रेंट ली वाहन के रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेड रिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के एक गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया पटकथा जोनाथन हेंसले ने की आधारित थी। जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिक्स थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा माइकल ट्रेडर्स द्वारा अभिनीति ब्रूस विलियम्स जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस लैरी ब्रिगमैन सेम फिलिप्स छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का संपादित किया
जॉन राइट्स के संगीत दिया माइकल कामेन के उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 19 मई 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिस और मैकलेन की अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रेंचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाए जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्बन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती कार्बर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कार्वर स्टेशन पर पहुंच जाता है। विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कार्वर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रुप है, जो हंस ग्रुबर का भाई है जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के। जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में $140 बिलियन का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कार्वर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी का भेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कार्वर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में बगल में बांध दिया। और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रस्तारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कार्वर और मैकलेन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलेन और कार्वर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलेन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढेल पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के
काम करने के तरीके के बारे में, अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूंकि पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था, और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कारवर के साथ शामिल हो गए, क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून प्रवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का हमला करने और वह हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया, और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन का पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई, जिससे वे जमीन का पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी, और ढालने में देखा गया जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया जो जेरेमी आयरन्स, साइमन पीटर ग्रूपर के रूप में नजर आया, और जीयू कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया, कोलिन कैप कोनी कोवल्स्की के रूप में नजर आया, वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया, रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया, माथियास टार्गो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया, और कात्या के रूप में सेम्स फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सीलर के रूप में किरदार नजर आई, और चार्ली वीज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया, बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया, ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया, हिस्सा हाउ होसरमैन मिसा के रूप में नजर आए, और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए, कल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया, रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया, थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया, और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल ने किरदार निभाया, मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया, जॉन रॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया, और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई, उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया, और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया, और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था, जिसे मूल रूप से ब्रेंडली वाहन का रूप में तैनात किया गया था, और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा, और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था, जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेडरिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए एवेंजर्स डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म, इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के एक गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया, पटकथा जोनाथन हेंसले ने की, आधारित थी जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिफ थोर्प और द्वारा पात्र, उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा, माइकल ट्रेडर्स द्वारा, अभिनीति ब्रूस विलियम्स जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन, ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस, लैरी ब्रिगमैन, सेम फिलिप्स, छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का, संपादित किया
जॉन राइट्स के संगीत दिया माइकल कामेन के उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 19 मई 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन, जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रेंचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाता, जिम्मेदारी का वादा किया जाता, धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती, कार्वर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कार्वर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कार्वर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं, जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रूबर है, जो हंस ग्रूबर का भाई है, जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के। जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है, जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में $140 बिलियन का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कार्वर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी कर भेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कार्वर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में बगल में बांध दिया और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रसारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कार्वर और मैकलेन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलेन और कार्वर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलेन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढेल पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के
काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूंकि पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई स्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कारवर के साथ शामिल हो गए, क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून प्रवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का हमला करने और वह हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन का पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई, जिससे वे जमीन का पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखा गया जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रुपर के रूप में नजर आया और जीव कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया। कोलिन के कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आए वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया। रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया। माथियास टार्गो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम्स फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सीलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली वीज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया। बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया। ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया। हिस्सा हाउ होसर मैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए। कल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया। रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया। थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल ने किरदार निभाया। मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया। जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई, उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था, जिसे मूल रूप से ब्रेंडली वाहन का रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century फोकस द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था, जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेडरिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्टस फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए एवेंजर्स डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म, इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के ए गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया, पटकथा जोनाथन हेंसले ने की, आधारित थी जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिफ्स थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा माइकल ट्रेडर्स द्वारा अभिनीति ब्रूस विलियम्स जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस लैरी ब्रिगमैन सेम फिलिप्स छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का। संपादित किया
जॉन राइट्स के संगीत दिया माइकल कामेन के उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 19 मई 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन, जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रेंचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाता है। जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती, कार्वर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कार्वर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कार्वर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं, जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रुप है, जो हंस ग्रुबर का भाई है, जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के। जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है, जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में $140 बिलियन का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कार्वर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी का भेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कार्वर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में बगल में बांध दिया। और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रसारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कार्वर और मैकलेन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलेन और कार्वर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलेन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढेल पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के
काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूकी पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कारवर के साथ शामिल हो गए क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून प्रवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का हमला करने और वे हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई जिससे वे जमीन का पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखा गया जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रूपर के रूप में नजर आया और जीव कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया। कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आया। वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया। रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया। माथियास टारगो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सीलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली विज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया। बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया। ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया। हिस्सा हाउ होसर मैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए। कल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया। रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया। थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल ने किरदार निभाया। मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया। जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था जिसे मूल रूप से ब्रेंट ली वाहन का रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेडरिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्टस फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए एवेंजर्स डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के ए गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया। पटकथा जोनाथन हेंसले ने की आधारित थी। जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिफ्स थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा माइकल ट्रेडर्स द्वारा अभिनीति ब्रूस विलियम्स जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस लैरी ब्रिगमैन सेम फिलिप्स छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का। संपादित किया
जॉन राइट्स के संगीत दिया माइकल कामेन के उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 19 मई 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन, जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रेंचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाए जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती, कार्वर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कार्वर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कार्वर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं, जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रुप है, जो हंस ग्रुबर का भाई है, जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के। जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है, जहां कोई स्कूल नहीं है और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में $140 बिलियन का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कार्वर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी का भेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कार्वर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में बगल में बांध दिया। और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रसारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कार्वर और मैकलेन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलेन और कार्वर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलेन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढल्ड पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के
काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूकी पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कारवर के साथ शामिल हो गए क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून प्रवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का हमला करने और वे हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई जिससे वे जमीन का पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखे गए जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रूपर के रूप में नजर आए और जीव कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया। कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आए वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया। रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया। माथियास टार्गो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम्स फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सिलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली वीज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया। बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया। ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया। हिस्सा होसर मैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए। कर्ल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया। रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया। थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल में किरदार निभाया। मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया। जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था जिसे मूल रूप से ब्रेंट ली वाहन का रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेडरिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए एवेंजर्स डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के ए गुड डे टू डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया। पटकथा जोनाथन हेंसले ने की आधारित थी। जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिग्स थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा माइकल ट्रेडर्स द्वारा अभिनीति ब्रूस विलियम्स जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस लैरी ब्रिगमैन सेम फिलिप्स छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का। संपादित किया
जॉन राइट्स के संगीत दिया माइकल कामेन के उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 19 मई 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन, जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रेंचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाए जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचानकर हार्लेम नहीं भेजा जाता था, वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया, जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती, कार्वर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कारवर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कारवर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं और कुछ FBI और CIA एजेंटों से मिलते हैं, जो शुरू के जोड़े को सूचित करते हैं और साइमन पीटर क्रेग और एक भाड़े के सैनिक और नेशनल पुलिस आर्मी के पूर्व कर्नल है। फिर वे बताते हैं कि क्रेग का असली नाम साइमन पीटर ग्रुप है, जो हंस ग्रुबर का भाई है, जिसे मैकलेन ने वर्षों पहले लॉस एंजल्स में मार डाला था। साइमन फिर NYPD को एक कॉल करता है और उसे सूचित करता है कि उसने शहर में प्राथमिक विद्यालयों में से एक विस्फोटक रखा था और कक्षा समाप्त होने के बाद विस्फोट करने के लिए तैयार है और कानून प्रवक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली समत रेडियो के, जबकि यह जोड़ी साइमन की अगली चुनौती का समाधान कर रही है और NYPD के शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों की खोज शुरू कर दी गई और मैकलेन को पता चला है कि साइमन NYPD को वॉल स्ट्रीट के दूर करने का प्रयास कर रहा है, जहां कोई स्कूल नहीं है, और वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग की ओर जा रहा है। जो पता चलता है कि साइमन के आदमियों ने डंप ट्रकों का उपयोग करके उसकी तिजोरी में $140 बिलियन का सोना चुरा लिया और वह पानी की सुरंग के ट्रकों का पीछा करता है, जबकि कारवर साइमन को चुनौती को जारी रखता है और साइमन एक कोफ्रम डैम को उड़ा देता है और सुरंग के पानी का ढेर भर देता है, लेकिन मैकलेन भाग जाता है और कारवर के साथ फिर से मिल जाता है। साइमन के आदमियों के साथ कार का पीछा करते हुए जोड़े को पता चलता है कि उनके पास पुल टोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह जोड़ी लॉन्ग आइलैंड साउंड के में खड़े एक टैंक पर चुपचाप सवार हो गई और लेकिन साइमन के सहयोगी ने उसे पकड़ लिया और बम में बगल में बांध दिया। और साइमन बताते हैं कि उनकी स्कूल की धमकी फर्जी थी। उन्होंने एक संदेश प्रसारित करते हुए दावा किया है कि वे पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टैंकर को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, जिनके बाद कारवर और मैकलेन को खुद को मुक्त कर दिया गया और वह विस्फोट होने से ठीक पहले टैंकर के भागने निकलते। जैसे ही मैकलेन और कारवर को NYPD द्वारा पूछताछ की गई और मैकलेन ने उन्हें सूचित किया कि साइमन के आदमी द्वारा चुराया गया कोई भी बुनियाद टैंक के कार्गो ढल्ड पर नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइमन ने ग्रूबर परिवार के
काम करने के तरीके के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके सब कुछ अपने पास रखने का इरादा किया था। अगली सुबह अपनी अलग की चूकी पत्नी होली को कॉल करने का प्रयास करते समय मैकलेन की नज़र टैंकर पर साइमन द्वारा दी गई परिस्प्रिंग की एक बोतल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि इसे कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा तक पर क्यूबेक कनाडाई प्रांत में एक ट्रक स्टॉप पर खरीदा गया था और मैकलेन ने NYPD की अपनी खोज के बारे में सूचित किया और उनके और कारवर के साथ शामिल हो गए क्योंकि ट्रक स्टॉप पर एक पास एक गोदाम की ओर भागे जहां साइमन के और उसके लोग सराफा के का पुनर्वीरण कर रहे थे और भागने की योजना बना रहे थे। साइमन को बाकी लोगों का कानून प्रवर्तन कर्मियों के तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि साइमन और उसकी प्रेमिका कात्या ने मैकलेन का हमला करने और वे हेलीकॉप्टर को भागने का प्रयास किया और मैकलेन ने एक ओवरहेड बिजली लाइन का पर गोली चला दी जो हेलीकॉप्टर पर गिर गई जिससे वे जमीन का पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विस्फोट हो गया। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो कार्वर ने मैकलेन को होली और की ओर एक कॉल करने की राजी दी और ढालने में देखा गया जॉन मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिंस ने किरदार निभाया जो जेरेमी आयरन्स साइमन पीटर ग्रूपर के रूप में नजर आया और जीव कार्वर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन ने किरदार निभाया जो लैबर्ट्स के रूप में ग्राहम ग्रीन ने किरदार निभाया। कोलिन कैप कोनी कोवल्सकी के रूप में नजर आया। वाल्टर कोप के रूप में लैरी ब्रिगमैन ने किरदार निभाया। रिकी वॉल्स के रूप में एंथोनी पेक ने किरदार निभाया। माथियास टार्गो के रूप में निक वायमन ने किरदार निभाया और कात्या के रूप में सेम्स फिलिप्स ने किरदार निभाया था। और उसके बाद देखा गया स्टीफन परलमेड के रूप में फ्रेड सीलर के रूप में किरदार नजर आई और चार्ली वीज के रूप में केविन चैम्बरेल ने किरदार निभाया। बिल जार्विस के रूप में माइकल क्रिस्टोफर ने किरदार निभाया। ओटो के रूप में रिचर्ड काउंसलिंग ने किरदार निभाया। हिस्सा होसर मैन मिसा के रूप में नजर आए और फिल थीस एरिक के रूप में नजर आए। कल्स के रूप में स्वेन टूरवाल्ड ने किरदार निभाया। रोल्फ के रूप में रॉबर्ट सैडविक ने किरदार निभाया। थुंगर के रूप में टिमोथी एडम्स ने किरदार निभाया और टॉम रोमन्स के रूप में टोली हेल में ने किरदार निभाया। मंट्स कार्वर के रूप में एल्डिस होज ने किरदार निभाया। जॉन डॉनसन फेरोन के रूप में नजर आया और रेडियो जी डीजे के रूप में एल्विस डुरान ने किरदार निभाया था। उत्पादन में देखा गया विकास और लेखन में देखा गया कि श्रृंखला की अधिकांश फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी आधार भी स्टैंड ओलेन प्रोजेक्ट के पुनर्निर्मित किया गया था। डाई हार्ड 3 के लिए विभिन्न स्क्रिप्ट लिखी गई उनमें से एक को कई अंत ब्रूस विलिस के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और पहली फिल्म के बाद आई एक्शन फिल्मों के पुनरावृत्ति की तरह महसूस करते थे। एक की स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक मूल रूप से ट्रेबल शूटर था और मैकलेन को कैरेबियन क्रूज लाइन द्वारा आतंकवादियों में से लड़ते हुए दिखाया गया था लेकिन अंडर सीज के समान होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया और ट्रबल सूट को बाद में स्पीड टू क्रूज कंट्रोल के लिए पुनः उपयोग में किया गया था। अंत में इस्तेमाल किए गए स्क्रिप्ट का उद्देश्य साइमन सेज नामक इस फिल्म के लिए किया था जिसे मूल रूप से ब्रेंट ली वाहन का रूप में तैनात किया गया था और जीयूस का चरित्र एक अभिनेत्री को ध्यान में रखकर लिखा गया था। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे लेथल वेपन सीक्वल के रूप में फिर से लिखा और वार्नर ब्रदर्स के बाद स्क्रिप्ट को बदलकर 20th Century Fox द्वारा खरीदे गए और डाई हार्ड फिल्म के रूप में फिर से लिखा गया था। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस मूवी के फैक्टर व्यू। डाई हार्ड विद ए वेंजेंस 1995 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मैकटीनर्स ने किया है। यह जोनाथन हेंसेले द्वारा निर्देशित किया और लिखा गया था जो हेंसेले की पटकथा साइमन सेज और रेडरिक थोर्प द्वारा उनके सन 1979 के उपन्यास नथिंग लास्ट्स फॉर एवर के लिए बनाए गए पात्रों पर आधारित था। डाई हार्ड विद ए एवेंजर्स डाई हार्ड 2 के बाद द डाई हार्ड फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म इसके बाद लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 के ए गुड डे 2 डाई हार्ड 2013 में आते थे। फिल्म का निर्देशन जॉन मैकटीनर ने किया। पटकथा जोनाथन हेंसले ने की आधारित थी। जोनाथन हेंसले द्वारा साइमन कहते हैं रोड्रिफ थोर्प और द्वारा पात्र उत्पादित किया गया जॉन मैकटीनर द्वारा माइकल ट्रेडर्स द्वारा अभिनीति ब्रूस विलियम्स जेरेमी आयरन्स और सैमुअल एल जैक्सन ग्राहम ग्रीन और कोलिन कैंपस लैरी ब्रिगमैन सेम फिलिप्स छायांकन है पीटर मेंजिस जूनियर का। संपादित किया
जॉन राइट्स के संगीत दिया माइकल कामेन के उत्पादन कंपनी सिंजनी पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। 20वीं सेंचुरी फोकस उत्तरी अमेरिका उब्लिक जापान में सेनर्जी प्रोडक्शन द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 19 मई 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया था। कार्यक्रम 128 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और जर्मनी। फिल्म का बजट $90 मिलियन का था। फिल्म में NYPD लेफ्टिनेंट जॉन कमैक्स मैकलेन के रूप में ब्रूस विलिस और मैकलेन के अनुशिक्षित साथी जियोस कॉनर के रूप में सैमुअल एल जैक्सन जो साइमन के नेतृत्व वाले पूर्वी जर्मनी आतंकवादी समूह को रोकने के लिए टीम बताते हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बम लगाए और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की बुनियाद चुराने की साजिश की। इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 मई 1995 को रिलीज किया गया था। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद में काफ़ी पसंद किया गया और इसे व्यापक रूप से इस फ्रांचाइजी का सबसे सिक्कल माना जाता था। साथ ही यह 1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक थी। कथानक में देखा गया न्यूयॉर्क शहर में बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट के स्टोर को सुबह की यात्रा के दौरान बम में उड़ा दिया जाता है। खुद को साइमन बताने वाले व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग को टेलीकॉम दिया जाता है। जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर पुलिसकर्मी जॉन मैकलेन को नस्लवादी टिप्पणी वाला सैंडविच बोर्ड पहचान कर हार्लेम नहीं भेजा जाता था वह भी बम विस्फोट का कर देगा। NYPD ने अनुमान लगाया कि मैकलेन को हार्लेम भेज दिया गया जहां उसका सामना जियोस कार्वन नामक एक इलेक्ट्रिशियन से और दुकान के मालिक से हुआ। मैकलेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इससे पहले कि पास की भीड़ भी उसके संकेत को लेकर मैकलेन की भिड़ जाती कारवर हस्तक्षेप करता है और मैकलेन को बचाता है और वे एक काम कार को में भाग जाते हैं और वे एक पुलिस प्लाजा पहनते हुए इस साइमन मांग करता है कि जोड़ी समय बुद्ध चुनौती का पालन करे और अन्यथा वह और अधिक बम विस्फोट करेगा। वह सहमत हो जाते हैं और मैकलेन अत्यंत साइमन द्वारा बनाए गए बम को निष्क्रिय करने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जाने वाली 3 ट्रेन को चढ़ जाता है। मैकलेन को बम मिलने से पहले ही कारवर स्टेशन पर पहुंच जाता है और विस्फोट होते ही उसे पटरियों पर फेंक देता है और मैकलेन और कारवर NYPD के साथ फिर से संगठित हो जाते हैं।